भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी किसी भी मुसीबत में सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने के अंतर्गत आने वाले बड़ा आवार में टपाल चाल पर रहने वाले देवा नीलकंठ नाम के एक नवयुवक ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सब स्तब्ध रह गए। आपको बता दें, घटना की जानकारी मिलते ही डायल 100 की टीम पहुंची और उसके शरीर को कब्जे में लिया, पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आपको बता दें, रस्सी भी पुलिस की टीम ने जब्त की है। नवयुवक था देवा नीलकंठ, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया पुलिस जांच के बाद बताने की बात कह रही है। आपको बता दें कि बड़ा आवार में कुछ देर पहले की घटना है, युवक के कदम से हर कोई स्तब्ध है। मौके पर आपको बता दें लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। हर कोई इस घटना को सुनकर इस समय गमहीन है कि आखिर आजकल इतने नौजवान बच्चे जिनकी उम्र बहुत छोटी है वो भला ऐसा क्या दुखी हो जाते हैं कि इस तरह के कदम उठा लेते हैं। फिलहाल डायल 100 की टीम मौके पर है और आपको बता दें कि युवक के शरीर को कब्जे में लिया जा रहा है और पड़ताल की जा रही है, मौका मुआयना किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मर्ग कायम कर मामले में जांच कर बताएंगे कि आखिर इस घटना का असली कारण क्या है। वीडियो आपको बता दें हमारे एक दर्शक चिंटू अग्रवाल ने भेजा है, जो उस समय मौके पर मौजूद थे, उन्होंने वीडियो बनाया है। और जो दर्शक हमें वीडियो भेजते हैं, ये खड़ा वीडियो है, आड़ा वीडियो यानी लैंडस्केप मोड में अगर पॉसिबल हो तो वीडियो बनाया करें और हमसे शेयर किया करें। जो लोग हमसे वीडियो शेयर करते हैं उनका हम हमेशा आभार व्यक्त करते हैं। और चिंटू अग्रवाल ने भी इस खबर को दिखाने में हमारी मदद की। आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, आप भी 7000-933-590 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कोई भी वीडियो घटना दुर्घटना या कोई भी ऐसा हादसा होता है हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। भाई इसमें मेरी वीडियो लो तो यार। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी किसी भी मुसीबत में सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं।